राधा 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 प्राण धन राधा 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 Thank you.
जय प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मानोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा
वनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित आप सभी बड़ भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए आज के समय का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्योंकि आने वाले 18 मार्च को यानी कि शुक्रवार को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्मदिन है। इसीलिए आज जो है हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है और चैतन्य महाप्रभु जी इस भौतिक जगत में क्यों आए। आज हम जो है इन्हीं दो विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम यह जानेंगे
कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हमारे आचार्य गण कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी कोई हमारी और आपकी तरह कोई एक साधारण मनुष्य नहीं है, अथवा तो कई लोग जो है चैतन्य महाप्रभु को जानते तो हैं, लेकिन लोगों के जीवन में चैतन्य महाप्रभु के विषय में ऐसी धारणा है कि लोग जो है चैतन्य महाप्रभु जी को एक बहुत बड़े संत, बहुत बड़े भक्त के रूप में जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी एक भक्त थे, एक संत थे, एक महापुरुष थे। कई लोग ऐसा मानते हैं, परंतु सत्य क्या है तो हमारे प्रामाणिक आचार्य गण बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी कोई साधारण इंसान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी केवल एक संत और महापुरुष ही नहीं है, चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निधाई। चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। इस कलिकाल में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम मनुष्यों के बीच में प्रकट हुए। अब जो है हमारे मन में प्रश्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु जी भगवान हैं, तो इस बात का क्या प्रमाण है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमें कोई भी बात बताता है ना, तो एक बुद्धिमान आदमी को तुरंत प्रश्न करना चाहिए कि आप जो बात बतला रहे हैं इसका प्रमाण क्या है, कहां लिखा है ये, तुरंत प्रश्न करना चाहिए, तुरंत प्रमाण मांगना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो। हमें कोई भी कार्य जो है शास्त्र के प्रमाण के अनुसार करना चाहिए। अगर शास्त्र में नहीं लिखा है तो हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कार्य करता है, यहां तक कि भजन साधन पूजा पाठ व्रत भी क्यों नहीं करता है, अगर उस शास्त्र के विरुद्ध है तो उस भजन पाठ पूजा व्रत उपवास का कोई फल नहीं होगा। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामगति। जो व्यक्ति शास्त्र की अवहेलना करके अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करता है, कोई भी व्रत कोई भी उपवास करता है, कोई भी भजन पूजन पाठ कुछ भी करता है, उस व्यक्ति को न तो कोई फल मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, कुछ नहीं मिलता। गीता में भगवान कहते हैं, इसीलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सबसे पहले शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, शास्त्र में प्रमाण देखना चाहिए। आज जो है कई लोग जो है पता नहीं कौन कौन से बार का व्रत रखते हैं, कोई सोमवार का व्रत रखते हैं, कोई मंगलवार का व्रत रखते हैं, कोई फलाना बार ठिकाना बार का व्रत करते हैं लोग, और पूछा जाए कि ये कहाँ लिखा है तो पता ही नहीं है, बस मन में आया तो करते हैं।
तो हमें शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी भगवान हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी के भगवान होने के बहुत सारे प्रमाण हैं। सबसे पहला प्रमाण जो है हमारा शास्त्र है, हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे सनातन सदग्रंथ हैं। सबसे पहला प्रमाण हमारे शास्त्र हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसका सबसे पहला प्रमाण हमारा शास्त्र है। और शास्त्रों में भी कई शास्त्रों में प्रमाण है। सबसे पहला हमारा प्रमाण है गरुड़ पुराण। सब लोग ध्यान से सुनिए और अंत में जो है सबसे हम पूछेंगे। सब लोग ध्यान से, आज तो पक्का पूछेंगे, हर बार कह के नहीं पूछते हैं, आज पक्का पूछेंगे, इसलिए सब लोग ध्यान से सुने, नहीं तो कई लोग कथा में बैठ जाते हैं और ध्यान कहीं और रहता है, तो इसीलिए हम लास्ट में सबसे पूछेंगे। तो यह कथा जो है, हमने कुछ कथा पिछले साल भी सुनाया था लेकिन लोग भूल जाते हैं, इसलिए फिर मैं दोबारा बतला रहा हूं, ताकि हम सब भक्तों को ये पता होना चाहिए, ताकि हम किसी व्यक्ति को बताएं तो हम उसको शास्त्रों का प्रमाण दे सके कि हमने सत्संग में सुना है, शास्त्र में यहाँ पर लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। हम किसी को बताएंगे तो उस समय हमें प्रमाण देना चाहिए, और हम बता तभी पाएंगे, प्रमाण तभी दे पाएंगे जब हम खुद अच्छे से सुनेंगे, इसलिए सब लोग सुने ध्यान से। तो हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान हैं, इसका सबसे पहला प्रमाण हमारा गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में कथा आती है कि एक समय गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, द्वापर युग का अंत हो रहा है और द्वापर के बाद जो है कलयुग प्रारंभ होने वाला है, और हे प्रभु, कलयुग में जो है सब लोग, विशेष करके सब लोग जो है पाप परायण हो जाएंगे, सब लोग अधर्मी हो जाएंगे, सब लोग दिन रात अनेक प्रकार के पापों में ही रच पच जाएंगे। अतः हे प्रभु, आप हमें यह बतलाइए कि कलयुग के पापी लोगों का उद्धार कैसे होगा? आप जगत के पिता हैं, जगत के मालिक हैं, कलयुग के पापी लोगों को पापों से मुक्त करने के लिए, उनको वैकुंठ धाम प्रदान करने के लिए आपने क्या सोचा है, आपने क्या योजना बनाई है, उनका उद्धार कैसे होगा? उस समय भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि गरुड़ जी, आप चिंता मत कीजिए, कलयुग के बड़े से बड़े पापी जीवों का उद्धार करने के लिए कलयुग में साक्षात मैं ही जो है प्रकट होऊंगा धरती पर। गरुण जी ने पूछा कि प्रभु, आप कहां प्रकट होंगे? तब विष्णु भगवान बतलाते हैं, गरुण पुराण में लिखा है, विष्णु भगवान कहते हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषतः माया पूरे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुतः। भगवान विष्णु ने कहा कि गरुण जी, मैं जो है कलयुग में इस धरती पर अवतार लूंगा। कहां अवतार लूंगा? तो गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है, भगवान कहते हैं माया पूरे, मायापुरे बंगाल में एक मायापुर नाम का जगह है,
उस मायापुर में मैं अवतार लूंगा। गरुड़ जी ने फिर पूछा कि प्रभु आप मायापुर में कहां अवतार लेंगे, थोड़ा स्पष्ट बतलाइए। तब भगवान ने कहा कि मायापुर में बहुत सारे द्वीप हैं, गोद्रुम द्वीप है, रुद्र द्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं। तो उस मायापुर में उन द्वीपों में एक द्वीप है जिसका नाम है नवद्वीप। उस नवद्वीप में जो है मैं अवतार लूंगा। और फिर गरुण जी ने पूछा कि प्रभु आप ठीक है मायापुर में जन्म लेंगे, मायापुर में भी नवद्वीप नामक एक स्थान है, उस स्थान में जन्म लेंगे, लेकिन आपके माता जी का नाम क्या होगा, आप किसके गर्भ से जन्म लेंगे? तो गरुड़ पुराण में साक्षात भगवान बतलाते हैं कि गरुड़ जी मैं जो है सची माता के गर्भ से जन्म लूंगा। मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुतः, मैं सची माता के गर्भ से जन्म लूंगा। ये गरुड़ पुराण में साक्षात भगवान ने गरुड़ जी को बतलाया। और भगवान विष्णु ने जैसा जैसा बात बतलाया, भगवान ने जो है वैसा ही वैसा कलयुग में अवतार भी लिया। कलयुग में मायापुर में नवद्वीप में और सची माता के गर्भ से भगवान ने जन्म भी लिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान है, इसका सबसे पहला प्रमाण गरुड़ पुराण है। अब दूसरा कौन सा प्रमाण है? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान है, इसका दूसरा प्रमाण जो है देवी पुराण है। देवी पुराण में साक्षात देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती जी, हे देवी, साफ साफ लिखा है नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण क्वचित श्री कृष्ण चैतन्य नामा लोके भविष्यति। शिव जी कहते हैं कि देवी कलयुग में जब अधर्म बढ़ जाएगा, चारों तरफ लोग पाप ही पाप में परायण हो जाएंगे, रच पच जाएंगे और अनेक प्रकार के दुख चिंता क्लेश शोक से घिर जाएंगे, ऐसे समय में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इस धरती पर अवतार लेंगे। और अवतार लेंगे तो उनका नाम क्या होगा, कृष्ण का नाम क्या होगा? तो शिव जी साफ साफ कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य नामा, उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य होगा। साफ साफ लिखा है देवी पुराण में उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु होगा। और पार्वती मैया ने पूछा कि प्रभु साक्षात कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट होंगे और प्रकट होकर के जीवों का दुख कैसे दूर करेंगे? तो शिव जी कहते हैं नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण, देवी भगवान कृष्ण ही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे और अपने ही नाम का, नाम सिद्धांत संपत्ति, अपना ही जो श्री कृष्ण नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, अपना ये जो नाम है इसी नाम रूपी संपत्ति को जो है, नाम रूपी धन को जो है सब जीवों के द्वार द्वार जाकर, घर घर जाकर के मार खाकर गाली सुनकर के भी सब जीवों को हरि नाम प्रदान करेंगे और सारे जीवों के दुखों को दूर करेंगे। ये देवी पुराण में साक्षात देवाधिदेव महादेव शिव जी माता पार्वती जी को कहते हैं। तो देवी पुराण के इस प्रमाण से साबित होता है
कि चैतन्य महाप्रभु जी कोई साधारण इंसान, साधारण कोई संत महापुरुष नहीं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण ही है। तो ये दूसरा प्रमाण होगा। सबसे पहला प्रमाण क्या? गरुण पुराण, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा प्रमाण क्या है? देवी पुराण। अब तीसरा प्रमाण देते हैं। तीसरा प्रमाण है नरसिंह पुराण। नरसिंह पुराण में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि सतयुग में जो भगवान हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह का अवतार धारण किए थे, और जो भगवान त्रेता युग में दशकंधर दसों सिर वाले रावण का वध करने के लिए राम का अवतार लिए थे, और त्रेता युग में जो भगवान क्षमा कीजिए द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के कंस, शिशुपाल, दंत वक्त्र, अनेक पूतना, अघासुर, बघासुर, बकासुर, तृणावर्त, अनेक प्रकार के असुरों का वध करने के लिए जन्म लिए थे, जो भगवान सतयुग में हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह का अवतार धारण किए थे, जो भगवान त्रेता युग में रावण का वध करने के लिए राम का रूप धारण किए थे, जो भगवान द्वापर युग में कंस का वध करने के लिए कृष्ण का रूप धारण किए थे, वही भगवान कलयुग में जो है मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। ये नरसिंह पुराण में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं। श्लोक है, श्लोक लिखा है, सत्ये दैत्य कुलाधि नाश समये सिंहोर्ध मर्त्याकृति त्रेतायाम दशकंदरम परिभवन रामेति नामाकृति ही गोपालान परिपालयन ब्रजपुरे भारम हरन द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नामा प्रभु। नरसिंह पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो भगवान सतयुग में हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह का अवतार धारण किए, जो भगवान त्रेता युग में रावण का वध करने के लिए राम का रूप धारण किए, जो भगवान द्वापर युग में कंस का वध करने के लिए कृष्ण का रूप धारण किए, वही भगवान कलयुग में सारे जीवों को सुखी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेंगे। साफ साफ लिखा है गौरांग, मानो वेद व्यास जी से पूछा गया कि जो भगवान कृष्ण द्वापर युग में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे वही भगवान कलयुग में प्रकट होंगे तो उनका नाम क्या होगा, तो साफ साफ लिखा है कलियुगे चैतन्य नामा प्रभु। कलयुग में जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे, और उनका नाम क्या होगा, दूसरा नाम क्या होगा, तो लिखे हैं गौरांग, उनका नाम गौरांग होगा। हम लोग कभी कभी गाते हैं ना, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग गौर हरे, हम लोग गौरांग बोलते हैं। तो ये गौरांग, हम लोग गौरांग किसका नाम है, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम है, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम। उनका नाम गौरांग क्यों है, क्योंकि भगवान के शरीर का रंग जो है गोरा है, इसीलिए भगवान का, भगवान चैतन्य का नाम गौरांग है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि साक्षात कृष्ण ही कलयुग में उतार लेंगे, उनका नाम क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु, दूसरा नाम क्या होगा, गौरांग होगा, और वो क्या करेंगे, तो कहते हैं प्रिय कीर्तन, वे उनको कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन बहुत प्रिय होगा।
इतना प्रिय होगा कि वह स्वयं भी दिन रात भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और जितने भी कलयुग प्राणी हैं, दुखी हैं, तीनों तापों से जल रहे हैं, ऐसे त्रिताप पीड़ित जीवों को भी भगवान का नाम, हरि का नाम, कृष्ण का नाम प्रदान करके सभी जीवों के त्रिताप ज्वाला को शांत करेंगे। ये नरसिंह पुराण में भगवान वेद व्यास बतलाते हैं। तो नरसिंह पुराण के इस प्रमाण से भी साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान है। तो सबसे पहला प्रमाण कौन सा है? गरुड़ पुराण। दूसरा देवी पुराण। और तीसरा नरसिंह पुराण। तो इस तरह से मेरे पास जो है कम से कम 150 से ज्यादा प्रमाण है। तो उतने प्रमाणों को हम नहीं जानेंगे, आप बुद्धिमान हैं तो प्रमाण से ही समझ जाएंगे। और लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण हमारा भागवत पुराण है, क्योंकि भागवत पुराण जो है सारे वेद पुराण उपनिषद सबका सार है। भागवत निगम कल्पत रोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। सारे पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत। उस भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 31 और 32 नंबर श्लोक में भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में बतलाया गया है। बतलाया गया है कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। भागवत के 11वें स्कंद में बतलाया गया है कि कलयुग में साक्षात भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लेंगे। उनके शरीर का रंग कैसा होगा? तो लिखा है अकृष्ण। अ का अर्थ होता है नहीं और कृष्ण का अर्थ होता है काला। उनके शरीर का रंग काला नहीं होगा, काला का बिल्कुल उल्टा होगा, गोरा। उनके शरीर का रंग गोरा होगा। और करेंगे क्या? तो कहते हैं कृष्ण वर्णम। वे जो है निरंतर अपने मुख से कृष्ण के नाम का वर्णन करेंगे, कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे, कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे। और वो कैसे प्रकट होंगे? तो कहते हैं कि अकेले प्रकट नहीं होंगे, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने गोलोक धाम में रहने वाले जितने भी पार्षद हैं सारे पार्षदों को लेकर के प्रकट होंगे। कृष्ण भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी को भी लेकर के प्रकट होंगे। तो चैतन्य अवतार में बलराम जी किस रूप में प्रकट हुए? नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। हम लोग जो नित्यानंद कहते हैं ना, निताई, निताई मतलब नित्यानंद, नित्यानंद मतलब साक्षात बलराम। ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो निताई, सची सुत जेई ब्रज बलराम होइलो निताई। साक्षात बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए। तो इस तरह से भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में भी चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है इसका प्रमाण दिया गया है। तो इस तरह से सबसे पहला हमारे चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है इसका सबसे पहला प्रमाण जो है हमारा शास्त्र है। शास्त्र में कौन कौन से शास्त्र? गरुड़ पुराण, दूसरा देवी पुराण, तीसरा नरसिंह पुराण, चौथा भागवत पुराण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब लोग ध्यान से सुनते रहे ऐसे। तो ये तो हो गया शास्त्रीय प्रमाण। अब चैतन्य महाप्रभु जी भगवान हैं इसका दूसरा प्रमाण क्या है? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी भगवान हैं इसके शास्त्र तो प्रमाण है ही, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु जी की कई ऐसी लीलाएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो यह निर्विवाद साबित हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। देखिए, मैं इतना सारा प्रमाण इसलिए दे रहा हूं कि कई बार कई लोग जो है ना
मान लो कोई आदमी सोच सकता है कि ठीक है प्रभु जी आप एक प्रमाण दे दिए, ठीक है आप मान लिए, इतना सारा प्रमाण क्यों दे रहे हैं? इतना सारा प्रमाण इसलिए दे रहे हैं, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि कई बार जो है जब हम समाज में नए नए लोगों को कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात कृष्ण हैं, तो जो नए लोग होते हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, वो लोग सोचते हैं कि अरे ये दुनिया में कितना भगवान है जी, कोई लोग पता नहीं फलाना ठिकाना को भगवान मानते हैं, कोई लोग किसी को भगवान मानते हैं, और ये लोग भी एक नया भगवान लेकर आ गए, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो जो लोग अपने मन में ऐसा संशय पैदा करते हैं, जिनके मन में संशय है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं, ऐसे लोग अच्छे से समझ जाएं और उनके मन से ये भ्रम संशय निकल जाए, इसीलिए मैं शास्त्र का कई प्रमाण दे रहा हूं कि आपको सुनकर के विश्वास हो कि मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, शास्त्र में लिखा है इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि जब हम लोग यह दृढ़ता पूर्वक जान जाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी भगवान हैं, साक्षात कृष्ण ही हैं, तो फिर उनके जो उपदेश हैं, उनके उपदेश को हम साक्षात भगवान कृष्ण का ही उपदेश मान करके उतने ही आदर और श्रद्धा के साथ हम चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को भी हम दृढ़ता से स्वीकार करेंगे। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, नहीं तो जब तक हम चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति भगवत बुद्धि नहीं रखेंगे तो उनका जो उपदेश है, उनकी जो शिक्षा है, उसके प्रति हमारे हृदय में बहुत श्रद्धा नहीं पैदा हो पाएगी, उसको हम इतना गंभीरता पूर्वक स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बतला रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसीलिए कोई अन्यथा नहीं लगे कि एक ही बात क्यों बार बार बता रहे। तो पहला प्रमाण है शास्त्र, और दूसरा प्रमाण क्या है कि चैतन्य महाप्रभु जी की कितनी हजारों ऐसी लीलाएं हैं जिनको पढ़ते हैं और सुनते हैं तो यह निर्विवाद साबित हो जाता है कि महाप्रभु जी साक्षात भगवान है। जैसे पहला उदाहरण, पुष्टि संप्रदाय के आचार्य हुए श्री वल्लभाचार्य जी, तो एक समय पुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और जैसे ही वल्लभाचार्य जी जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार पर पहुंचे ना, उसी समय उनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी भी रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। तो वल्लभाचार्य जी को जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर ही चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन हो गया, तो उस समय वल्लभाचार्य जी जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना ही जगन्नाथ जी के द्वार से ही वापस लौट गए। अब उनके साथ में जो शिष्य लोग थे वो लोग बड़ा घबरा गए, क्या रे ये कैसे गुरुदेव हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार पर आकर के बिना दर्शन किए ही लौट गए, ऐसा क्यों? शिष्यों के मन में बड़ा घबराहट पैदा हुआ, लेकिन अब पूछे भी तो कौन, हिम्मत करे पूछने का। अब वल्लभाचार्य जब अपने आश्रम में चले गए तो एक शिष्य ने दंडवत प्रणाम करके करबद्ध निवेदन किया कि भगवान आप जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे और जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर द्वार पर ही चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन हो गया, तो आप जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना ही वापस क्यों लौट गए? उस समय वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि देखो, निसंदेह मैं जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहा था, लेकिन
मैं जगन्नाथ का दर्शन किए बिना इसलिए लौट आया क्योंकि द्वार पर ही चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो गया ना, तो मुझको साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो साक्षात जगन्नाथ ही है। जो मंदिर के अंदर जगन्नाथ है वो भी जगन्नाथ है और चैतन्य महाप्रभु प्रभु भी जगन्नाथ है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो मंदिर के अंदर है वो अचल है, वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु है वो सचल जगन्नाथ है, वो चलते हुए जगन्नाथ है। इसीलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव ने भजन लिखा है, जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। जो चैतन्य महाप्रभु है वह साक्षात जगन्नाथ ही है, जगन्नाथ ही चैतन्य महाप्रभु बन गए, कृष्ण ही जगन्नाथ है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात जगन्नाथ है। तो इस तरह से वल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्यों को बतलाया, उस समय सारे शिष्य जो है चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान कृष्ण के रूप में देखने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन की यह जो घटना है, इस घटना से भी निर्विवाद साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान है। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी भगवान है इसका दूसरा प्रमाण यह है कि एक समय चैतन्य महाप्रभु जी जब बहुत छोटे थे, जब समझिए कि 1.5 या 2 साल के थे, जब वो अपने घुटने के बल बकैया होकर के चलते थे, उस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु जी के घर पर एक ब्राह्मण देवता अतिथि के रूप में आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के घर पर उनके माता पिता से निवेदन किया कि आज मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ, आप लोग जो है हमें थोड़ा कच्चा अनाज दे दीजिए, मैं अपने हाथ से बना करके भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करूंगा, रात्रि को विश्राम करूंगा और सुबह चला जाऊंगा। अब चैतन्य महाप्रभु जी के माता पिता, उनके पिताजी का नाम क्या था, जगन्नाथ मिश्र, और उनके माता जी का नाम क्या था, सची माता। सब लोग ध्यान रखेंगे, चैतन्य महाप्रभु जी के पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र था और उनके माता जी का नाम सची माता था। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने उस ब्राह्मण देवता को कच्चा अन्न दिया और उस विप्र देवता ने बड़े प्रेम से उस भोजन को पकाया और शुद्ध बर्तन में रखकर तुलसी पत्ता डालकर जैसे ही गोपाल जी को भोग लगाए, उसी समय छोटे से निमाई, चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो उनका नाम क्या था, निमाई। उनका निमाई नाम क्यों था, क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उनका नाम निमाई था। गांव में ऐसी मान्यता है, जिसके जन्म के समय जैसा स्थिति रहता है ना वैसा ही नाम रख देते हैं। एक आदमी जो है उनके जन्म के समय बाढ़ आ गया था तो उनका नाम रख दिया बढ़ुआ। बढ़ुआ, हमारे गांव में एक लड़का है, वो एक ही बार 3 बच्चे जन्म लिए, हमारा मित्र है, तो 3 बच्चे जन्म लिए, तो 2 बच्चियां मर गई, 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था, तो 2 लड़कियां मर गई, तो उसके माँ को किसी ने कहा कि देखो अपने लड़के का नाम बुढ़वा रख दो तो ये मरेगा नहीं, ऐसी मान्यता है लोग करते, तो उसका नाम बुढ़वा रख दिए, किसी का नाम बढ़ुआ, किसी का बुढ़वा, क्या क्या लोग नाम रखते हैं। तो महाप्रभु जी का बचपन का नाम निमाई था। तो जैसे ही विप्र देवता ने गोपाल जी को भोग लगाया और आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, उसी समय जो है छोटे से निमाई
घुटनों के बल से चलते हुए आए और सारा भोग का थाली के ऊपर टूट पड़े। सब निकाल निकाल करके खाने लगे, क्योंकि बच्चे जो है बड़े शरारती होते हैं। बच्चों का शरारत तो आप लोग जानते ही हैं। एक बार एक छोटी सी बच्ची जो है वो किराने के दुकान पर गई, उसको उसने जा करके दुकानदार से कहा कि अंकल अंकल, क्या आप अपने लड़के का शादी मुझसे करोगे? छोटी सी लड़की, आप अपने लड़के का शादी मुझसे करोगे? शायद शहर की लड़की होगी। शहर की छोटी लड़कियां ही बड़ा चालाक होती हैं। आप अपने लड़के का शादी मुझसे करोगे? तो दुकानदार ने सोचा कि अब इससे क्या उलझना, उसने सीधे सीधे शब्द में कह दिया, हाँ बेटा, मैं अपने लड़के का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। तो उस समय उस लड़की ने कहा, तो ससुर जी, आप अपने होने वाले बहू को एक चॉकलेट दे दो ना फ्री में। तो दुकानदार आँख फाड़ फाड़ के देखते रह गया। बड़े बूढ़े लोगों को भी उल्लू बना देते हैं छोटे बच्चे। एक बार ऐसे ही एकदम छोटा सा लड़का, एकदम छोटा सा भोला सा लड़का अपने छोटे से यार से बात कर रहा था, एकदम 4-5 साल का होगा, दिव्यांश से छोटा होगा। वो बात कर रहा था और कहता है अपने मित्र से, के यार, हमार बाप ने छाला बहुत बुलबक बा, अपना ब्याह में हमार कैसेट बनवा ले नहीं के। अपना शादी के कैसेट में हमार फोटो खिंचवा नहीं के बाला बुलबक बा। छोटा सा लड़का बात कर रहा था आपस में। तो बच्चे जो है बड़े दिल के साफ शरारती होते हैं, और उसमें भी जो भाई बहन का प्रेम होता है बड़ा अद्भुत प्रेम होता है छोटे छोटे बच्चों का। एक एक छोटे छोटे भाई बहन थे, तो एक दिन भाई ने अपने छोटे बहन को कहा कि बहन, ऐसा करते हैं ना कि अब जो है ना हम अपने घर में कुत्ता रख लेते हैं। तो उसकी बहन ने कहा, क्यों, तू अब हमारे साथ में नहीं रहेगा? वो अपने भाई को कुत्ता समझती थी। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे होते बड़े शरारती होते। निमाई बहुत शरारती थे, जैसे ही विप्र देवता ने भोग लगाया तुरंत आकर के सारा भोग जो है स्वयं ही खाने लगे। अब जैसे ही ब्राह्मण का ध्यान टूटा और देखा कि छोटा सा निमाई जो है पूरा भोग खा गया, अब हा विष्णु कह करके वो बहुत घबरा गया, बहुत चिंतित हो गया। जा करके उनके माँ बाप को बतलाया, उस समय सची माता जगन्नाथ मिश्र जी ने क्षमा मांगा और फिर से कच्चा अन्न लिया। फिर उस ब्राह्मण देवता ने खूब मेहनत करके बनाया और बना करके फिर जैसे ही भोग लगाया फिर निमाई आ गए वहां पर। फिर जूठा कर दिया। अब जो है ब्राह्मण देवता ने जब देखा तो उनको थोड़ा बहुत दुख लगा कि बार बार मैं गोपाल जी को भोग लगा रहा हूँ, अरे कितना ये निमाई कितना नटखट है, आकर जूठा कर दे रहा है। उस समय ब्राह्मण देवता ने सची माता को कहा, तो सची माता ने क्या किया अब की बार जो है ना, कहा कि ब्राह्मण देवता क्षमा कर दीजिए मेरे छोटे से लाला को। अब की बार जो है उस सची माता जी ने अपने निमाई को बगल वाले के घर में ले आकर के सेपरेट कमरा में बंद कर दिया कि अब तो किस कैसे भी नहीं आ पाएगा। ये बगल वाले के घर में ले आकर के कमरे में बंद कर दिया कि अब तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। अब जैसे ही हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अब तीसरी बार जैसे ही सची माता ने अपने छोटे से नटखट निमाई को बगल के घर में कमरे में बंद कर दिया और फिर जो है ब्राह्मण देवता को फिर से अनाज दिया और फिर से ब्राह्मण देवता उस भोग को बनाने लगे और भोग बनाकर जैसे ही गोपाल जी को भोग लगाए और भोग लगाकर जैसे ही आंख बंद करके गोपाल जी का ध्यान किए उसी समय निमाई फिर से वहां पर आ गए। छोटा सा बालक फिर से आ गया और फिर से जो है उनके द्वारा अर्पित किया गया गोपाल जी को जो भोग लगाया गया था वो स्वयं ही खाने लगे, स्वयं ही खाने लगे। अब जब ब्राह्मण की आंख खुली और फिर निमाई को देखा तब तो का बाप बद हो गई। अब निमाई ने जैसे ही देखा कि ब्राह्मण देवता का अब धीरे धीरे अंटीना घूम रहा है, अब उसी समय छोटे से निमाई जो है उस ब्राह्मण देवता के सामने, उस ब्राह्मण देवता के देखते देखते ही वही निमाई जो है साक्षात गोपाल जी के रूप में वहां पर प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और एक हाथ में माखन और एक हाथ में बांसुरी धारण करके ठाकुर जी बांसुरी बजाने लगे। अब जब उस ब्राह्मण देवता ने देखा कि अरे जिस गोपाल जी को मैं भोग लगा रहा था ये निमाई तो वही गोपाल है, ये निमाई कोई साधारण बालक नहीं तो साक्षात कृष्ण है, मैं जिस गोपाल को भोग लगा रहा था ये गोपाल तो वही है। ब्राह्मण देवता ने निमाई के चरणों में प्रणाम किया और महाप्रभु जी ने उस समय उनको मना किया कि मैंने कृपा करके आपको दर्शन दिया है, यह रहस्य किसी को बताना मत। और फिर जो है भगवान अपना गोपाल रूप को तिरोहित कर लिए और फिर एक साधारण निमाई के रूप में प्रकट हो गए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी जब लगभग डेढ़ या दो साल के अंदर के उम्र में थे, डेढ़ या दो साल के थे उस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण देवता को अपना गोपाल रूप का दर्शन कराया था। तो महाप्रभु जी की इस बाल लीला से साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान कृष्ण हैं। कई बार कुछ लोग जिनको शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है वो लोग भगवान के विषय में प्रश्न उठाते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे राम जी भगवान थे, जब भगवान थे तो वो बाली को छुप कर क्यों मारे, अब बाली को छुप करके क्यों मारे इसके पीछे कई कारण हैं। लेकिन एक कारण ये है कि चूंकि बाली ने पशु के जैसा काम किया था, जानवर के जैसा काम किया था और जानवर को छुप करके ही मारना चाहिए, बाली ने जानवर के जैसा काम किया था, जानवर के जैसा क्या काम किया था, उसने अपने ही भाई के पत्नी को जबरदस्ती छीन के अपने घर में रखा था, जानवर जैसा काम किया था तो जानवर को तो जानवर जैसा ही मारना चाहिए ना, इसीलिए भगवान ने बाली को जो है पशु की तरह मारा था, छिप करके मारा था। तो और भी कई कारण हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग तुरंत प्रश्न उठाते हैं कि अरे राम को भगवान मानते हैं तो वो राम वो छिप करके बाली को क्यों मारे, जब वो भगवान थे तो वो सीता जी के विरह में एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक साधारण स्त्री लंपट व्यक्ति की तरह जो है वो सीता के विरह में क्यों रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर बेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। जब वो भगवान थे तो एक साधारण मनुष्य की भांति वो सीता के विरह में क्यों रो रहे थे, जब वो भगवान थे तो उनको सब पता होना चाहिए तो जा करके पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे थे कि तुमने मेरी सीता को देखा है, जब भगवान थे तो उनको तो सब पता होना चाहिए तो वो सीता का पता पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे थे। सामान्य आदमी की पत्नी खो जाए तो जा करके पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाता है, आदमी से पूछता है, और ये भगवान है तो ये जो है ऐसी लीला कर रहे हैं कि न तो इंसान से पूछ रहे हैं न जाके पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखा रहे हैं, ये पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, भला पेड़ पौधे ही बताएंगे। तो जो राम को खुद ही पता नहीं,
हाँ, कि मेरी पत्नी को कौन हर के ले गया, उसको आप लोग भगवान मानते हो, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। इस तरह से कई लोग जो है प्रश्न करते हैं, और उनका प्रश्न सही भी है, और जो प्रश्न करते हैं वो हमको बहुत अच्छा लगते हैं, क्योंकि प्रश्न भी वही करता है जो अच्छे से सुनता है या अच्छे से पढ़ता है, उसके ही मन में प्रश्न भी होता है। जो न तो पढ़ता है न सुनता है, उसके मन में प्रश्न भी भला कैसे होगा। कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सब ज्ञान हो गया है, वो पूरा एकदम ज्ञानी हो गया इसलिए प्रश्न नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं कर रहा है इसका मतलब यह भी हो सकता है कि शायद वो पढ़ता ही नहीं है, रामायण भागवत गीता पढ़ता ही नहीं, इसीलिए उसके मन में कोई प्रश्न नहीं है। पढ़ेंगे तो जरूर प्रश्न होगा। तो लोग यही सब प्रश्न करते हैं कि राम जी भगवान थे तो सीता के विरह में साधारण मनुष्य की भांति क्यों रो रहे थे, बाली को छुप के क्यों मारा। तो ऐसे लोगों को यह बताना चाहिए कि देखिए जब राम जी प्रकट हुए थे तो राम जी कैसे प्रकट हुए थे, साधारण मनुष्य की भांति प्रकट नहीं हुए थे। राम जी प्रकट हुए थे तो उस समय भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। जब भगवान राम प्रकट हुए थे उस समय साधारण मनुष्य की तरह प्रकट नहीं हुए थे, वो साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए थे, और प्रकट होते ही अपने माता पिता के पूर्व जन्म के दो जन्म के पूर्व के घटना पूरा उनका घटना सुना दिए कि आप पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में ये थे। और भगवान राम जो है साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। बाद में माता कौशल्या ने प्रार्थना किया तो भगवान ने अपना भगवत स्वरूप को छिपा लिया और एक साधारण मनुष्य के भांति प्रकट हो गए। और माँ कौशल्या ने कहा कि प्रभु आप जो है एक मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए, इतना ही नहीं, एक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोता है, तो आप भी रोइए। उस समय माँ की बात सुन करके ठाकुर जी रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, माँ कौशल्या की प्रार्थना सुनते ही भगवान रोने की लीला करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि राम जी भले बाद में माँ कौशल्या के प्रार्थना करने पर एक मनुष्य बन गए और मनुष्य की तरह लीला कर रहे थे, लेकिन जब वो प्रकट हुए थे तो भगवान ही भगवान के रूप में ही प्रकट हुए थे। तो ये सब बातें जो है हमें लोगों को बताना चाहिए कि राम जी साक्षात भगवान है, चैतन्य महाप्रभु जी भी साक्षात भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु जी के बाल्यावस्था की इस लीला से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। इतना ही नहीं, एक और कथा आती है कि एक बार बंगाल में एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनका नाम था केशव काश्मीरी। वो इतने विद्वान थे कि साक्षात सरस्वती माता जी जो है उनके कंठ पर विराजती थी, और उनके विद्वता का क्या वर्णन किया जाए। वो इतने विद्वान थे कि अपने ज्ञान से जो है वो हजारों लाखों दिग्गज विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त करके और उनको अपना नौकर बना लिए थे। सबको डंके की चोट पर ललकारते थे शास्त्रार्थ करने के लिए, और शास्त्रार्थ में जब कोई हार जाता था तो उसको अपना चेला बनाकर अपना सेवक बना करके अपने पीछे पीछे घुमाते थे। इतने बड़े विद्वान थे, हजारों लोगों को हरा करके उनको अपना शिष्य बनाकर अपने पीछे लेकर के घूमते रहते थे। बहुत विद्वान थे और बहुत तार्किक थे। इस संसार में भी कुछ लोग जो है ना बहुत तार्किक होते हैं, लेकिन
जब तर्क की बात आई है तो मैं बता दूं कि देखिए हमारे शास्त्रों में जो है ना तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हमारे शास्त्रों में तर्क को वितर्क को कोई सम्मान नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि तर्क से जो है ना गलत को भी सही साबित किया जा सकता है, अथवा तर्क से सही को भी गलत साबित किया जा सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में तर्क का कोई सम्मान नहीं है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, तर्क का कोई सम्मान नहीं, क्योंकि तर्क से जो है गलत को भी सही साबित किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक कथा सुनाता हूं कि एक बार एक लड़का जो है काशी से पढ़ करके अपने घर पर आया और घर पर आकर के अपने माँ से कहा कि माँ मैं विद्वानों की नगरी ज्ञान का गढ़ काशी से पढ़कर आया हूँ, और माँ मैं इतना पढ़ करके आया हूँ ना कि मैं जो है 2 को 3 साबित कर सकता हूँ। मेरे पास मैं इतनी पढ़ाई किया हूँ कि 2 चीज को मैं 3 साबित कर सकता हूँ। तो माँ तो भोली भाली थी, तो बड़ा खुश है कि वो मेरा बेटा कितना पढ़ाई किया है, 2 चीज को 3 साबित कर सकता है। माँ ने पूछा कि बेटा तुम 2 को 3 कैसे साबित कर सकते हो? तो उसने जो है माँ से सेव मंगाया, अपने माँ से 2 सेव मंगाया और अलग अलग टेबल पर रखवा दिया और अपनी माँ से कहा कि माँ तुम इसकी गिनती करो, गिनती करो। तो माँ ने जो है पहले सेब के ऊपर उंगली रख करके कहा 1 और दूसरे सेब के ऊपर उंगली रख कर कहा 2। तो उस समय बच्चे ने कहा कि माँ अब तुम बताओ 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। माँ ने पहले सेब के ऊपर उंगली रख करके कहा 1 और दूसरे सेब के ऊपर उंगली रख कर कहा कि 2। अब गिनती तो ऐसे ही किया जाता है ना। तो उस बच्चे ने तुरंत कहा कि माँ तुमने पहले के ऊपर 1 कहा और दूसरे के ऊपर 2 कहा, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब माँ तो उसके बाद में आ गई। माँ तो बाद में आ गई, ओ मेरा बेटा कितना पढ़ाई किया है कि अपने माँ को ही उल्लू बना दिया। माँ तो उसके बातों में आ गई, लेकिन उसका बाप जो था बड़ा होशियार था, क्योंकि बाप बाप ही रहते हैं, बेटा बेटा ही रहते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। लेकिन लोग प्रेम से मुझको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। तो बाप तो बड़ा होशियार था, उसने कहा अरे बेटा तुमने 2 को 3 साबित कर दिया, वाह। अब बाप ने कहा कि देखो बेटा ऐसा करो, तुमने 2 सेब को 3 साबित कर दिया ना, तो ऐसा करो 1 सेब मैं खा लेता हूँ, 1 सेब तुम्हारी माँ खा लेगी और तीसरा का तू खा ली हो। तीसरा सेब तुम खा लेना। कहने का मतलब ये है कि वह सेब 2 ही था, लेकिन तर्क से जो है उस बच्चे ने गलत को भी सही साबित कर दिया, 2 को भी 3 साबित कर दिया। लेकिन जो तर्क का सत्य होता है वो व्यवहारिक सत्य नहीं होता। तर्क से तो उसने 2 को 3 साबित कर दिया तर्क से, लेकिन व्यवहार में वो 3 साबित नहीं हो पाया, व्यवहार में उसको 3 लोग नहीं खा सकते हैं 1-1। तो कहने का मतलब यह है कि तर्क से जो है गलत को भी सही साबित किया जा सकता है। इसीलिए हमारे महाभारत में बताया गया तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क का हमारे शास्त्रों में कोई स्थान और कोई सम्मान नहीं है। इसीलिए हम लोगों को तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, शास्त्र में जो बताया गया है सीधा उसी को बिना तर्क वितर्क के स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये जो केशव काश्मीरी जो पंडित थे वो बहुत तार्किक थे, बहुत विद्वान थे, अपने तर्क से जो है हजारों लाखों विद्वानों को उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था और उन सारे विद्वानों को अपना चेला बना करके, अपना दास बना करके हमेशा अपने पीछे पीछे लेकर चलते थे।
अब एक दिन ऐसे ही शास्त्रार्थ में हराते 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 वो केशव काश्मीरी पंडित जो है नवद्वीप में मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के गढ़ में आए और चैतन्य महाप्रभु के गांव के लोगों को वो दहाड़ दहाड़ करके ललकारने लगे कि आओ, जिसको जिसके पास भी ज्ञान है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैं डंके की चोट पर ललकार रहा हूं, दहाड़ रहा हूं, आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, जो मुझको शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसका नौकर बन जाऊंगा। महाप्रभु के गांव में आकर के भी वो केशव काश्मीरी पंडित खुला दहाड़ने लगा, चैलेंज करने लगा, चुनौती देने लगा। और उस समय महाप्रभु के गांव के सारे लोग जो है उसके ज्ञान से डर कर सब घर में छुप गए, सब घर में छुप गए, उसका इतना प्रभाव था। लेकिन जब ये बात महाप्रभु जी को पता चली, कुछ लोगों ने महाप्रभु को बतलाया, उस समय निमाई जो है बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, आप ये समझ के चलिए कि उनका उम्र जो है लगभग 12 या 13 साल था। जैसे ही महाप्रभु को पता चला कि ऐसा विद्वान हमारे गांव में आया है, तो महाप्रभु को कोई दुख नहीं हुआ, वो एकदम बिल्कुल शांत रहे। लेकिन जैसे ही केशव काश्मीरी पंडित को पता चला कि इस गांव में निमाई पंडित भी बहुत विद्वान है, तो केशव काश्मीरी पंडित जो है महाप्रभु को भी ललकारने लगा कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। कई लोग ऐसे होते हैं, आ बैल मुझे मार, कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाप्रभु को भी ललकारने लगा। महाप्रभु ने तो सबसे पहले मना कर दिया, लेकिन बार बार जब वो ललकारा तब महाप्रभु उससे शास्त्रार्थ करने के लिए राजी हो गए। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने सिखाया है कि हमें कभी भी किसी से बहुत वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कोई ज्ञानी बनता है तो ज्ञानी बने रहने दीजिए, ज्यादा किसी से हमें तर्क वितर्क शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन जब बार बार उसने महाप्रभु को चैलेंज किया, ललकारा, तो महाप्रभु राजी हो गए और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। और शास्त्रार्थ में चैतन्य महाप्रभु जी ने सबसे पहले कहा कि आप जो है हमको गंगा जी के महात्म में कुछ श्लोक बताइए। गंगा जी के किनारे ही शास्त्रार्थ हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित ने केशव काश्मीरी से कहा कि आप जो है इसी गंगा की महिमा में कुछ श्लोक हमको तुरंत रचना करके तुरंत सुनाइए। अब वो केशव काश्मीरी पंडित इतना विद्वान था कि निमाई पंडित के देखते देखते एक मिनट के अंदर जो है उसने जो है गंगा जी की महिमा में 100 श्लोकों की रचना कर दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्योंकि उसके कंठ पे सरस्वती जी विराजते थी। कुछ ही मिनटों में उसने गंगा जी के महिमा में 100 श्लोक निर्माण कर दिए और 100 श्लोकों की व्याख्या भी कर दिया। और व्याख्या करने के बाद जो है वह बड़े गर्व के साथ जो है चैतन्य महाप्रभु की ओर देखने लगा और बड़ा गर्व महसूस करने लगा कि देखो हमने एक ही मिनट में, कुछ ही मिनट में हमने इतने श्लोक की रचना कर दिया, ये हमारे सामने क्या बोल पाएंगे। अब जो है महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु जी ने तुरंत उस केशव काश्मीरी पंडित ने जो कुछ ही मिनटों में 100 श्लोकों की रचना किया था, उस 100 श्लोकों को निमाई पंडित ने बिना लिखे पढ़े ही वो जैसा सुनाया था वैसा ही सुना दिया, बिना लिखे पढ़े ही उसने जो सुनाया था तुरंत उसको सुना दिया। और केवल सुनाया ही नहीं, महाप्रभु ने ये भी कह दिया कि आपने इस श्लोक में और इस श्लोक के इस चरण में आपने ये लाइन गलत बोला है। उस 100 श्लोक में महाप्रभु जी ने कई कम से कम 10 दोष गिना दिए कि इस श्लोक में इतने नंबर के श्लोक में
आपने इस लाइन में उच्चारण करने में ये गलती किया है, आपने ये श्लोक में ये गलती किया है। अब जब एक ही मिनट के अंदर चैतन्य महाप्रभु जी ने फटाफट फटाफट जो है बिना लिखे पढ़े, केवल उसके मुख से सुने हुए श्लोक को बिना लिखे पढ़े तुरंत उसको सुना भी दिए और उसमें जो दोष है वो भी गिनती बता दिए। अब जब केशव काश्मीरी पंडित ने ये देखा तो उसका होश ही उड़ गया, वो चक्कर में पड़ गया, वो सोच में पड़ गया कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो श्लोक बोला उसको इस लड़के ने बिना लिखे और बिना पढ़े इसको याद कैसे हो गया, और दूसरी बात इसको जो है मेरे श्लोक में दोष कैसे दिख गया, कैसे समझ में आ गया, और वो भी इतना जल्दी। वो समझ नहीं पाया, उसका होश उड़ गया और अंत में जो है वह महाप्रभु के साथ शास्त्रार्थ में बिल्कुल पराजित हुआ और अंत में लज्जित होकर के अपने निवास स्थान पर चला गया और जाकर के मां सरस्वती जी के सामने जाकर फफक फफक करके रोने लगा कि मां आज तक जो है मुझको कोई शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाया, बड़े बड़े पंडित दिग्गज विद्वान मेरे सामने शास्त्रार्थ में पराजित हो गए लेकिन आज एक छोटा सा बालक मुझको हरा दिया शास्त्रार्थ में। माता सरस्वती के सामने रो ही रहा था उसी समय माँ सरस्वती जो है उस पंडित के सामने प्रकट हो गई और माँ सरस्वती ने उस केशव काश्मीरी पंडित से कहा कि केशव काश्मीरी तुम जो है जिस निमाई को तुम साधारण बालक समझ रहे हो ना वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो निमाई पंडित जो है मेरा भी ईश्वर साक्षात श्री कृष्ण है, वो साक्षात मेरे भगवान है। और केशव काश्मीरी इस दुनिया में आदमी जो है ना सबसे जीत जाता है लेकिन हमारे ठाकुर जी से कोई नहीं जीतता है, उनका नाम ही है अजीत, उनको कोई जीत नहीं सकता, उनको तो केवल प्रेम से जीता जा सकता है, अपने अन्य किसी बल से उनको नहीं जीत सकते, केवल प्रेम से जीत सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। हमारे ठाकुर जी इतने कृपालु हैं, करुणामय हैं कि इनके कृपा का तो बात ही मत पूछिए। कई बार लोग कल छत का ढलाई हुआ, कई लोग जो है बड़े आश्चर्य में हैं कि इतना बड़ा काम कैसे हो गया, लोग कह रहे थे 1993 से 1995 से ऐसे ही पड़ा था, 1993 में तो हमारा जन्म हुआ, तो इतना बड़ा काम कैसे हुआ। तो खैर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ, लोग कहते हैं कि हमने किया पर वास्तव में हमने कुछ नहीं किया, जो किया सब हमारे ठाकुर जी ने किया। कहते हैं ना कि जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे दाता का, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। सब ठाकुर जी लोग गाते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सब करते हैं ठाकुर जी, नाम भक्तों का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ भगवान करते हैं और सब कुछ भगवान ने किया और सब कुछ आप लोगों ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया।
ये सब ठाकुर जी कृपा और आप सब भक्तों का प्रेम, भक्तों का सहयोग है। एक अकेला आदमी से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक झाड़ू का एक सीख सोचे कि मैं घर साफ कर दूं तो ये हो सकता है क्या? अकेला झाड़ू का एक सीख जो है घर साफ नहीं कर सकता, अकेले से कुछ नहीं होता। आप सब भक्तों का साथ, सहयोग, प्रेम है तो सब कुछ हो पाया है, और अभी भी कुछ हो नहीं पाया है। अभी बहुत कुछ करना है, हम लोग को शांत नहीं रहना है, अभी बहुत कुछ करना है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान को कोई हरा नहीं सकता, भगवान अजीत है, उनको कोई हरा नहीं सकता। बस उनको हराने का एक ही शर्त है, प्रेम से कोई हरा सकता है। कहते हैं ना कि जासु त्रास डर कहू डर होई, जिस भगवान के डर से भी डर को डर लगता है, जिस भगवान के डर से डर को भी डर लगता है, वो भगवान के सामने मैया जब लाठी दिखाती है ना तो ठाकुर जी रोने लग जाते हैं कि मैया मरिए मत, मरिए मत। ठाकुर जी रोने लग जाते हैं, और रो रो करके ना ठाकुर जी ऐसे अपना आंख मिसने लगते हैं। ठाकुर जी दिखाते हैं कि देख मैया कितना डरागर बनी। ठाकुर जी रोने लगते हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए ये कन्हैया का कैसा लीला है, इनके डर से जो है ब्रह्मा जी को भी डर लगता है, इनके डर से यमराज जी को भी डर लगता है। वही ठाकुर जी अपने मैया के सामने डर करके रोते हैं, और रोते ही नहीं भागते हैं कि मैया कहीं पिटाई ना कर दे। क्यों भगवान क्यों डरते हैं? बस प्रेम के कारण, मैया के दिल में प्रेम है ना। कथा आती है कि जब माँ यशोदा ने कन्हैया जी को फल से बांध दिया और बांध करके अपने काम में लग गई, उस समय बलराम जी आए, और बलराम जी जब देखे कि अरे हमारा कन्हैया जी तो बना गए हैं, तो सबसे पहले तो कहे बलराम जी कन्हैया को कहे कि हम पहले ही से कहते नहीं चोरी मत कर कर। हम पहले ही कहते नहीं चोरी मत कर, लेकिन तू अपना आदत से मजबूर हो गए रहा, चोरी कर दिला, बना गई रहना। अब इतना कह करके बलराम जी बहुत गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर के सबसे पहले कन्हैया हमके ये बताओ था कि बांधल के ओके खाली नामवा बता दो, अगर स्वर्ग के राजा इंद्र देवता हुई ना तो वही जैसे उठा के ऐसा पटके में उनके कि सीधा पताल लोक में जाके गिरी हूँ, खाली नामवा बता दो के बांधल। अब ठाकुर जी कैसे कहे कि माई बनने भी है ये सुधा भैया ने बांधा है। ठाकुर जी तो बस वो जितना कह रहे थे ठाकुर जी उतना सिसक सिसक के रो रहे थे, उतना रो रहे थे। अब किसी ठाकुर जी को तो हिम्मत नहीं कुछ कहे, तो उसी समय एक सखा आया और कहा कि पता है इनको जो है ना ये सुधा मैया ने बांधा है। अब बलराम जी तो शेषनाग के अवतार, उनको आक्रोश आ गया कुछ देर के लिए, और दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास गए, और जाके आक्रोश में आवेश में कहने लगा, अरे मैया तुमने किसको बांध के रखा है, तुमको पता है ये कौन है, ये कन्हैया कौन है, तुमको पता है? माँ ने पूछा क्या बताई बतनी क्या देखो। तो बलराम जी ने कहा, अरे तुमको पता नहीं है, यही है वो जिसने सतयुग में नरसिंह का अवतार लिया था, यही ये कोई साधारण नहीं है, यही सतयुग में जो है हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। तो माँ ने कहा भाई देखो बानर देख के डरा के हमारा गोद में लुका जाला, ये नरसिंह का अवतार ले रहे हैं। एक बिलार देखता है तो डर के आके हमारे गोद में छिप जाता है, ये नरसिंह का अवतार लिया था, ये नरसिंह है। तो बलराम जी ने कहा कि मैया ये तो इसकी लीला है,
यही नरसिंह का अवतार लिया था, और छोड़ यही 10 सिर वाले रावण को मारने के लिए यही त्रेता युग में राम का अवतार लिया था, यही जो है पृथ्वी का उद्धार करने के लिए शुकर का अवतार लिया था, यही जो है परशुराम का अवतार लेकर के 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, यही जो है नरसिंह है, यही जो है वामन का रूप धारण करके 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था। ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उस समय मैया यशोदा ने कहा कि अच्छा ये नरसिंह भगवान है, ये राम जी है, ये वामन भगवान है, ये जो है शुकर भगवान है। माँ ने पूछा कि अच्छा ये नरसिंह भगवान है, ये राम जी है, तो तू कौन हो तनि बताइबो। तो बलराम जी ने कहा हम शेषनाग जी का अवतार हैं। उस समय माँ यशोदा ने कहा अपने एक दासी से, रे एगो लाठी लेके आइबे, लाठी लेके आओ तो सारा देवता लोग हमारा घर में जन्म ले, सारा अवतार हमारे घर में उखक रहा है, लिया पूजा कर दी देवता लोग। जैसे ही माता ने लाठी लेकर आई और जैसे ही लेके दौड़ी, सारा बलराम जी का गर्मी खत्म हो गई। बलराम जी तुरंत वहां से भाग गए। कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है उनके डर से जो है डर को भी डर लगता है। जासू त्रास डर कहू डर होई, जिसके भय से भय को भी भय लगता है, वो भगवान जो है माता यशोदा के डर से डर जाते हैं। क्यों? बस प्रेम के कारण। माँ यशोदा भगवान से प्रेम करती है ना, तो भगवान को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। तो माँ सरस्वती जी ने कहा कि केशव कश्मीरी पंडित, तुम जिसको साधारण बालक समझते हो, वो कोई साधारण बालक नहीं, वो तो मेरा आराध्य ईश्वर साक्षात कृष्ण ही है। साक्षात कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं। तुम जाकर के उनसे क्षमा मांगो और उनके आदेश का पालन करते हुए भक्ति करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। इस तरह से माता सरस्वती जी ने केशव कश्मीरी पंडित को बताया और फिर जाकर उसने महाप्रभु से क्षमा मांगा और महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तो यह प्रसंग बड़ा है, लेकिन कहने का भाव ये है कि चैतन्य महाप्रभु जी जो है, इस प्रसंग से साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान कृष्ण हैं। और इतना ही नहीं, ऐसी हजारों लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु जी एक समय संन्यास धारण करके जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथ जी के मंदिर में जैसे ही जगन्नाथ का दर्शन किए तो महाप्रभु दर्शन करके इतने भाव विभोर हो गए कि महाप्रभु दर्शन करते करते प्रेम से मूर्छित होकर के वहां पर गिर गए। आज भी आप लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ जी के सामने गरुण स्तंभ है जहां पर गरुण जी विराजते हैं, उसी गरुण जी के पीछे जो है चैतन्य महाप्रभु दीवाल का टेक लगाकर खड़ा होते थे और महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते इतना रोते थे प्रेम में कि उनके शरीर के स्पर्श से वहां का जो दीवाल है वह दीवाल भी पिघल जाता था। आज भी पिघला हुआ है दीवाल, आज भी पिघला हुआ है वो दीवाल। महाप्रभु बहुत रोते थे प्रेम में। तो महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान का दर्शन करते करते प्रेम में मूर्छित हो गए। उसी समय उस मंदिर के एक व्यवस्थापक थे जिनका नाम सार्वभौम भट्टाचार्य था, वो जो है महाप्रभु जी को अपने सेवकों द्वारा उठवा करके अपने घर ले गए और कुछ देर के बाद महाप्रभु को होश आया तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु को साधारण सन्यासी समझ करके उनको ज्ञान देने लगे कि अरे आप क्या ये हा कृष्ण आप करते रहते हो, अरे कृष्ण कोई
अपना उनका कोई रूप नहीं है, वो तो भगवान तो निराकार हैं। उस और निराकार भगवान सब जगह, आप क्यों रोते रहते हो? ये भावुकता से काम नहीं चलेगा, सन्यासियों को भावुक नहीं होना चाहिए। इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु को साधारण सन्यासी जान करके उनको 7 दिन तक ज्ञान देते रहे और महाप्रभु जी बस सुनते रहे, एकदम मौन होकर के सुनते रहे, न कुछ बोले न कुछ हुकारी पारे, बस सुनते रहे। 7वें दिन भट्टाचार्य जी ने पूछा कि मैं आपको 7 दिन से ज्ञान दे रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अंत में 7वें दिन महाप्रभु जी ने कहा कि देखिए, आप जितना भी ज्ञान दे रहे हैं ना, वो सारा ज्ञान ही गलत है। और महाप्रभु जी ने शास्त्र का उदाहरण दे करके उनके सारे तर्क वितर्क और उनके ज्ञान को गलत साबित कर दिया। अब जब महाप्रभु जी ने उनके भी ज्ञान को गलत साबित कर दिया तो वो भी अचंभित हो गए, क्योंकि वो इतने विद्वान थे कि जब वो किसी गली से गुजरते थे तो बड़े बड़े विद्वान लोग घर में घुस के अपना दरवाजा बंद कर लेते थे, इतना विद्वान थे वो। और ऐसे विद्वान भट्टाचार्य जी के ज्ञान में भी उन्होंने दोष खोज दिया तो बड़े अचंभित हुए और सोचने लगे कि मेरे ज्ञान में दोष खोज दिया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था। अब जब उनको विश्वास नहीं हो रहा था तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को अपना षड्भुज रूप दिखलाया, अपना 6 भुजाओं वाला रूप दिखाया। 2 भुजा भगवान का, 2 भुजा जो है राम जी के, 2 भुजा में भगवान जो है अब एक में धनुष बाण धारण किए थे और 2 भुजा में भगवान चैतन्य महाप्रभु इस संन्यास का दंडा और कमंडलू धारण किए हुए थे और 2 भुजा में भगवान जो है बांसुरी धारण किए हुए थे। इस तरह से 6 भुजा वाला, 6 हाथ वाला चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना रूप का दर्शन कराया, षड्भुज रूप का दर्शन कराया। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जैसे ही महाप्रभु के इस स्वरूप को देखा तो ये समझ गए कि साक्षात कृष्ण और चरणों में पड़ गए। और फिर उन्होंने अखंड भगवान की स्तुति की और उन्हीं स्तुति में उन्होंने एक श्लोक बताया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा मुदीर स्तम प्रपद्ये। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु के सामने घोषणा कर दिया कि मैं तो इनको साधारण सन्यासी समझता था लेकिन ये तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम कलयुग के जीवों को शिक्षा देने के लिए, हमारा ज्ञान दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए ये प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से प्रसंग बड़ा है लेकिन कहने का भाव ये है कि महाप्रभु के जीवन के इस लीला से भी साबित होता है कि महाप्रभु साक्षात भगवान है। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं और इतना ही नहीं, हमारे कलयुग की मीराबाई भी जो है चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। मीराबाई ने अपने एक भजन में बहुत सुंदर लिखा है कि अब तो हरि नाम लौ लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यहा माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, नाम धरो बैरागी, अब तो हरि नाम लो लागी। मात जशोमती माखन कारण, बांधियो जाको पाव, श्याम किशोर भय नव गोरा, चैतन्य जा को ना, चैतन्य जा को ना,
अब तो हरि नाम लो लागी। मीरा बाई अपने भजनों में कहती है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। तो इस तरह से सबसे पहला तो हमारे शास्त्र के प्रमाण के द्वारा साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, फिर उनके कई लीलाओं से पता चलता है कि महाप्रभु भगवान है, और इसके बाद भी हमारे कलयुग में जितने भी बड़े बड़े संत हुए उन सारे संतों ने भी महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो इस तरह से सारे प्रमाणों से साबित होता है कि महाप्रभु भगवान है। अब जो है हमारे मन में प्रश्न होता है कि ठीक है चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, लेकिन प्रश्न होता है कि साक्षात भगवान कृष्ण ही इस कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए और कहां आए, ये भी हमारे मन में प्रश्न होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग आने वाले इसी शुक्रवार के दिन 17 तारीख को हम लोग 17 तारीख को तो हम लोग 17 को ही मनाएंगे गौर पूर्णिमा बृहस्पतिवार को। तो हम लोग बृहस्पतिवार को यह जानेंगे कि महाप्रभु क्यों चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और वो कृष्ण जो है क्यों इस कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, ये सारी बातें हम लोग जो है आने वाले गुरुवार को जो है 17 तारीख को श्रवण करेंगे। तो और उसी दिन हम लोग होली क्यों मनाते हैं और होली की क्या महिमा है वह भी हम लोग श्रवण करेंगे, और हम लोग यहाँ पर फूलों की होली भी खेलेंगे, और उसी दिन सभी भक्तों के लिए यहाँ पर भर पेट अन्न महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो सभी भक्तगण जो है अपना गुरुवार के दिन सभी भक्तगण अधिक से अधिक मात्रा में आए और कथा कीर्तन सत्संग भगवान का प्रसाद इस सब का सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। समय हो गया है, मैं अपने वाणी कहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना पुत्र दास समझकर क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। कलयुग पतित पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। समस्त गौर पार्षद भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इदाई गौर प्रेमानंदे।